नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। जतारा विधानसभा के लोग क्यों जी रहे हैं भगाली की जिंदगी, क्यों है मतदान का बहिष्कार करने को मजबूर। सत्ता शासन नेता वादे लाख करे पर सारे खोखले। आजादी के 70 साल बाद भी जतारा विधानसभा सूरजपुर वासी भगाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। सूरजपुर वासियों ने मतदान का बहिष्कार करने की कही बात। जतारा विधानसभा की सूरजपुर ही नहीं, कई और ऐसे भी गांव है जो आज भी विकास से कोसों दूर है। लोग बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। ग्राम पंचायत चंदेला के सूरजपुर के बशिंदे आज भी बदहाली की जिंदगी जीने को है मजबूर। यह ग्राम मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर अंदर है। सभी लोग खेती और मजदूरी करते हैं। यह लगभग 250 मतदाता है। लगभग 40 से 50 परिवार आदिवासी के और यादव पाल समाज के भी लोग रहते हैं। सूरजपुर में आज भी नहीं है स्कूल, ना ही आंगनबाड़ी है। मुख्य सड़क से सूरजपुर तक के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। 2 साल से सूरजपुर में विद्युत लाइन भी नहीं आई। सूरजपुर में 2 विद्युत ट्रांसफार्मर रखे थे, जिसमें से एक तो विद्युत विभाग उतार कर ले गया, तो वहीं एक विद्युत ट्रांसफार्मर रखा है जो मात्र एक शोपीस की तरह रखा है। इसमें कनेक्शन के लिए केबल तक नहीं है और खराब पड़ा है। एक हैंडपंप है जो कई महीनों से खराब है और सड़क कच्ची है और बरसात के पानी में जगह जगह कई, जिसे आज तक मिट्टी से भरने का नाम तक नहीं लिया गया। वहीं लोगों के कई राशन कार्ड तक भी नहीं है और मिट्टी का तेल, शक्कर, गेहूं, चावल तक नहीं मिलने की बात भी कही। ग्राम पंचायत की महिलाओं ने अगर बरसात के मौसम में कोई बीमार पड़ जाते हैं तो बाहर भी नहीं पहुंच पाते हैं। बदहाली की जिंदगी जी रहे सूरजपुर वासियों ने विधानसभा के चुनाव में मतदान नहीं करने की बात कही। आप कहते हैं अम्मा क्या क्या सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं जा और लाइट नहीं जा, 2 साल से आज से 2 महीना दो साल से नहीं जा है। आंगनबाड़ी है क्या नहीं जा, नहीं स्कूल या है ना, लाइट या कुछ नहीं ना रोड है। हाँ, अब जहाँ का जो है जो चले आगे में होने जाए दिया बात में न लाइट की सुविधा, न वाहन करवे की बीसी का वही में है तो कच्चे ढंग से करवे खिलाने नहीं, खराब है स्कूल आंगनबाड़ी कुछ ना लाइट है, कर पाओ इतना खबर रास्ता में देखा नहीं पाऊ ना को काट बगया हम के मट्टी को तेल ही मिल जाना, काटा कुछ नहीं है 10 साल से नहीं काटा, आवास ना आवास कुछ नहीं, सबके मकान बनाए नहीं ना हुआ, एक तला जब फट गया तो बे जाओ चले जाओ। पहली बात होना चाहिए लाइट वहाँ है, दूसरी बात रोड, तीसरी बात स्कूल, चौथी बात आंगनबाड़ी और पांचवी बात काटा, कुछ नहीं हमारे में कोई ऐसे ही है, बहुत परेशान है। आवास तो फिर हम लोगों ने चुनाव विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है, हम लोग वोट नहीं डालेंगे क्योंकि कोई जो भी नेता यहाँ आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं और चुनाव होने के बाद वो देखने को नहीं आते हैं। तो आज तक आप किसी भी नेता ने आप लोगों की सुध नहीं ली? नहीं, किसी ने हर कोई आता है वोट डलवा के बाद कोई फिर आता ही नहीं, कोई ध्यान देता है कि यहाँ लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। 250 वोटिंग है हमारे यहाँ। जतारा से बाबूलाल चरार की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।